फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज बेनर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 21 रघुकुल पार्टी का कार्य पुस्तिका है, का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के भी आपने पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट पर पार्टी का कार्य पुस्तक जाकर आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक स्टूडेंट हेल्प करके वेबसाइट है, इस पर आपको आपके जाएगा उस दशरथ कहाँ के राजा थे। आरसी बिस्ट ने राजा दशरथ से क्या मांगा, तो लिखेंगे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। आरसी बिस्ट ने राजा दशरथ से ज्येष्ठ पुत्र राम को है ये दिए गए शब्दों में प्रा उपसर्ग लगाकर, प्रा उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। क्या में लगाएंगे तो प्रक्रिया हो जाएगा, सिद्ध में प्रसिद्ध हो जाएगा, काशित में प्रकाशित, यत्न में प्रयत्न, बल में प्रबल, हार में प्रहार, चार में तो प्रचार। तरह हम तरह जोड़कर नए शब्द बना लेंगे। थर्ड है, असंगत शब्दों पर गोला बनाइए, अयोध्या, सूरत, वन, प्रयाग। बाकी सब क्या है, जगह है। वन क्या है, जंगल अलग हो जाएगा, इस पर लगा देंगे। पवित्र, वशिष्ठ, सदीचि, दशरथ, तो बाकी सभी या गुरु बात की जा रही है, दशरथ इसमें अलग हो जाएगा, वो राजा हैं। द्वारपाल, राम, लक्ष्मण, भरत, राम, लक्ष्मण, भरत तीनों भाई हैं, द्वारपाल अलग हो गया, इसमें लगा देंगे। शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप, तो शांत, सन्नाटा, चुप का यही मतलब होता है, संवाद अलग हो जाएगा, ये संवाद पर घोरा घोड़ा लगा देंगे। नंबर फोर पे चलेंगे, ये दिए गए वाक्यों को शुद्ध करेंगे। पहला है, राजा अयोध्या था, राजा में दशरथ का करके लिखेंगे, अयोध्या में राजा दशरथ का राजा था, सब सही करेंगे। राजा दशरथ पर जैसे पड़ी, जगह बनाएंगे, संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। फोर्थ का बनाएंगे, महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। चलेंगे नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे, राजा दशरथ पर जैसी बिजली पड़ी, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, रघुकुल की यही रीति करें, हम इनको भर लेंगे। और सिक्स पे चलेंगे, यहाँ पर पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए। वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। दोनों राजकुमार ना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन की का राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र साथ जाने की आज्ञा दे दी। राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए, कांप कर बेहोश हो गए। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था, तो इनको हम सही करके लिखे। पहला आएगा, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। आएगा, एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के का राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए, कांप और बेहकर बेहोश हुए। नेक्स्ट आएगा, मुनि वशिष्ठ ने समझाया, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा, राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। इस तरह हम इस प्रश्न को सही क्रम में लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यांशों का प्रयोग करके प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जया ने अपने ऊंट पर उठे आरोप पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं। बात बिगड़ना, पंचायत में विजय आने से राधा को बात बिगड़ने का डर था, मन खिन्न होना पर बनाएंगे। पार्टी में हुए अपमान से राधा का मन खिन्न गया, वचन पूरा करना भी बनाएंगे। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजकर राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा किया, तरह आप भी बना लेंगे। तो लाइक कर दें अपने और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया, फिर लिखेंगे राम तो अभी 16 बरस का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, राक्षस माया भी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें है। प्रश्न नंबर 9 है,
वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजा, राजा दशरथ को क्या समझाया? तो लिखेंगे वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, प्राण देकर भी वचन को आया जाता है, अतः आप राम की चिंता। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ के आधार पर लिखिए, राम की माता कौशल्या, राम के पिता दशरथ, राम के भाई लक्ष्मण, राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र, राम का कुल रघुकुल, राम का राज्य। तो तरह हम पाठ के आधार पर लिखेंगे और 11 पर मूव करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के पहला है जेष्ठ, जेष्ठ का हो जाएगा अनुज, आशा का निराशा, कठिन का सरल, चिंतित का निश्चिंत, अपूर्ण का पूर्ण, का प्रसन्न। तरह हम शब्दों को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर एंड।